नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में 14 प्रत्याशी को आवंटित हुआ चुनाव चिन्ह, DM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव के संबंध में दी जानकारी। दुर्गा पूजा के दौरान जिले भर में सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम, SSP आशीष भारती ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। लूटपाट के दौरान बेखौफ अपराधियों ने CSP संचालक की गोली मारकर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। कहलगांव नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए अजय मंडल, नगर के विकास को बताया प्राथमिकता। और मतदाता सत्यापन कार्यक्रम को लेकर शाह मार्केट में हुई बैठक, 15 अक्टूबर तक होगा वोटर कार्ड वेरिफिकेशन। और अब खबर विस्तार से। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। गुरुवार को DRDA सभागार में DM प्रणब कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव के संबंध में जानकारी दी। DM ने कहा कि कुल 18 अभ्यर्थी ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें 4 अभ्यर्थी का नामांकन रद्द हुआ है। सभी 14 अभ्यर्थी को गुरुवार को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में लगाए गए कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही DM ने कहा कि सेक्टर ऑफिसर से मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। इसके अलावा मतदान को प्रभावित करने वाले लोगों की पहचान करने की बात कही। DM ने कहा कि चुनाव से संबंधित शिकायतें ऑब्जर्वर आभा गुप्ता के पास दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में अभी 18 दिन समय बचा है, इस दौरान बाढ़ प्रभावित सवार और नाथनगर क्षेत्र से पानी निकल जाएगा। वहीं SSP आशीष भारती ने चुनाव के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहने की बात कही। नाथनगर 158 के संबंध में कहा जाएंगे कि इसमें जो नॉमिनेशन की तिथि थी, नॉमिनेशन की तिथि अंतिम तिथि सोमवार थी और फिर मंगलवार को उसकी स्क्रूटनी हुई और आज नाम वापसी का समय था। तो कुल 18 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें 4 लोगों का रिजेक्ट किया गया और फाइनली 14 अभ्यर्थी चुनाव में हैं और इन सभी अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन कर दिया गया है और निर्वाचन की सम्यक तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। जिन लोगों को निर्वाचन में कार्य देना है, जिनके माध्यम से कार्य कराया जाना है, उनको प्रथम स्तर का प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रथम स्तर का EVM रैंडमाइजेशन हम लोगों के द्वारा कर दिया गया है। तो EVM रैंडमाइजेशन और प्रथम चरण के लिए जो जिन लोगों को नियुक्ति देनी है उनका रैंडमाइजेशन और उनको प्रशिक्षण, ये दोनों कार्य हम लोग का पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा लगातार फील्ड में जा करके मतदान केंद्रों का सत्यापन और वहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं जो होनी चाहिए, न्यूनतम फैसिलिटी जो होनी चाहिए, उनको सुनिश्चित कराया जा रहा है। भागलपुर जिले में दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर SSP आशीष भारती ने जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में DSP, इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष मौजूद थे। इस मौके पर SSP आशीष भारती ने कई आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि भागलपुर पुलिस शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा सम्पन्न कराने के लिए तत्पर है। SSP ने कहा कि जिले भर में सैकड़ों लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई पर्व को लेकर की गई है। साथ ही कहा कि पूजा के दौरान DJ पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और सभी पूजा पंडालों, रावण वध, विसर्जन मार्ग और सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। SSP ने सभी थाना अध्यक्षों को मेला के दौरान असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखने की बात कही। गुरुवार को दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूटपाट के दौरान CSP संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही संचालक से 5,00,000 रुपए लूटकर फरार हो गया। घटना रजौन प्रखंड के सिग्नान पंचायत की है। मृतक CSP संचालक की पहचान सिग्नान के चितरंजन कुमार सिंह के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक चितरंजन सिंह अपने मित्र जितेंद्र सिंह के साथ रजौन स्थित इलाहाबाद बैंक से 5,40,000 रुपए की निकासी कर बाइक से सिग्नान की ओर जा रहे थे। उसी दौरान राजावर मोड़ के समीप 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर रुपए से भरा थैला लूटने का प्रयास किया, जिसका मृतक ने विरोध किया। उसी दौरान बदमाशों ने गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार और रजौन थाना अध्यक्ष सुमित कुमार मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल संचालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
कहलगांव नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने के बाद गुरुवार को अध्यक्ष पद के लिए कहलगांव एसडीओ सुजय कुमार सिंह एवं डिप्टी कलेक्टर मनोज कुमार की मौजूदगी में दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया गया, जिसमें कहलगांव वार्ड नंबर 4 के पार्षद अजय मंडल निर्विरोध निर्वाचित हुए। जीत के बाद अजय मंडल ने कहा कि पद की गरिमा को रखते हुए पूरी ईमानदारी के साथ शहर के विकास के लिए कार्य करूंगा। वहीं एसडीओ सुजय कुमार सिंह ने जीत का प्रमाण पत्र अजय मंडल को सौंपा। इस दौरान पार्षदों और समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। ये अविश्वास प्रस्ताव के बाद एक नए मुख्य पार्षद के चुनाव के लिए एक बैठक 3 तारीख को आज आहूत की गई थी। हमारे जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में, जिसमें मुझे निर्वाचित पदाधिकारी घोषित किया गया था और सर है डीएम विभागीय था, सर इसमें प्रेक्षक की भूमिका में है। और ये बैठक अपने नियत समय पे 11:30 में शुरू हुई है और 12:30 तक नियमानुसार हम लोगों ने वेट किया। जितने पार्षद आए थे उन सबकी उपस्थिति दर्ज की गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सत्यापन कार्यक्रम को लेकर भागलपुर खानका पीरदमरिया सा मार्केट में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता खानका पीरदमरिया के सजादा नशी सैयद शाह हसन मानी ने की। इस दौरान पटना से आए अफजल अंसारी ने मतदाता सत्यापन कार्यक्रम को लेकर विस्तार से जानकारी दी। अफजल अंसारी ने कहा कि मतदाता वेरिफिकेशन 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस बीच लोग भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, पोर्टल और ऐप के जरिए अपने वोटर कार्ड का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वहीं उप सजादा नसी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने बताया कि बीएलओ के माध्यम से भी वोटर कार्ड को जरूरी दस्तावेज देकर सत्यापित कराया जा सकता है। बैठक के दौरान वोटर हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर और मतदाता सहायता केंद्र के जरिए वोटर कार्ड सत्यापित कराने की जानकारी दी गई। डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान ने कहा कि जिस मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है उसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पैन कार्ड या सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र में से कोई एक पहचान पत्र देकर वोटर कार्ड सत्यापित कराना जरूरी है। वहीं प्रोफेसर गुलाम सरवर ने एनआरसी को ध्यान में रखते हुए मतदाता सत्यापन कार्यक्रम को लेकर समाज में जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। मौके पर प्रोफेसर नाहिदा नसरीन, सईद अहमद समेत कई बुद्धिजीवी मौजूद थे। आईडी कार्ड तो पहले से बना हुआ है, ये वोटर का वेरिफिकेशन हो रहा है और ये मुल्क में पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। सारे समाज के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वोटर वेरिफिकेशन का को हम अपना कराएं और सिर्फ अपना ही नहीं करें, हम जो समाज में दबे कुचले लोग हैं जो उनकी भी रहनुमाई करें। रहनुमाई करने में ना हम मजहब की कैद करें ना दाद बरादरी की कैद करें, समाज में जो लोग भी हैं जितने कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, हाँ उनका मजहब कुछ भी हो, रंग कुछ भी हो, सबकी हम रहनुमाई करके इलेक्शन कमीशन के इस तरह को हम कामयाब करेंगे। मतदाता सत्यापन कार्यक्रम चल रहा है अभी, इसके लिए सरकार ने 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक की तारीख दी, जो इलेक्शन वोटर आईडी जो हमारे पास है उसके वेरिफिकेशन का सत्यापन का काम हो रहा है। तो खानका की तरफ से एक मीटिंग रखी गई जिसमें बुद्धिजीवियों को अपने अपने इलाके से बुलाया गया है। जो धीमी गति से ये काम चल रहा है उसमें लोगों के दरमियान जागरूकता पैदा करें और जो 15 तारीख निर्धारित की गई उससे पहले मैंने अपने वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन करा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला, करेला, नाथनगर, भागलपुर।
Boston. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बाढ़ का पानी बुनकर बहुल क्षेत्र नाथनगर और चंपानगर के कई निचले इलाकों में प्रवेश कर गया है। पानी बढ़ते ही चंपानगर के अहमदनगर स्थित मदरसा काशी फूल उलम में पठन पाठन ठप हो गया है। साथ ही बाढ़ के पानी से मदरसा में पढ़ने वाले छात्र और शिक्षक घिर गए हैं। मदरसा काशी फूल उलूम के संचालक मौलाना शमीम अहमद काशफी ने बताया कि पिछले 10 दिनों से इलाके में बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं, लेकिन अब तक प्रशासनिक स्तर से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। मौलाना की माने तो बाढ़ के पानी से अहमदनगर कॉलोनी में रहने वाले लोगों को कई तरह की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं जमियत उलेमा भागलपुर इकाई के महासचिव मौलाना तबरेज रहमानी ने कहा कि बाढ़ का पानी प्रवेश करने के कारण लोग बेरोजगार हो गए। मौलाना तबरेज ने जिला प्रशासन से इलाके में राहत शिविर लगाने और बाढ़ में घिरे लोगों के लिए नाव की व्यवस्था करने की मांग की है। साथ ही मदरसा में दोबारा पठन पाठन शुरू हो इसके लिए आम लोगों से सहयोग की अपील की है। वहीं जमात इस्लामी हिंद के प्रमंडलीय प्रभारी मौलाना फारूक नदवी ने जल्द ही नाथनगर के प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित करने की बात कही। हमारा नाथनगर बुनकर बहुल क्षेत्र है, जहां की एक रोजगार का हब है। इतनी परेशानी हो रही है कि लोगों के रोजगार ठप है। तकरीबन वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 और उधर अहमदनगर, निलमही, मदनी नगर, पूरा इलाका बाढ़ से प्रभावित है। लोग भूखे मर रहे हैं। सरकार की और प्रशासन की अब तक वहाँ तवज्जो और मदद नहीं पहुँची है, इसलिए हम इसके माध्यम से सरकार से और प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके बाढ़ पीड़ित लोगों को जो है उन तक इमदाद और सहयोग पहुँचाई जाए और उनके रोजगार की बंदोबस्ती की जाए। रेड स्वस्तिक सोसाइटी भागलपुर शाखा की ओर से बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। गुरुवार को सोसाइटी के सदस्यों ने TNB कॉलेजिएट स्कूल परिसर में शरण लिए 700 बाढ़ पीड़ितों के बीच कपड़े और चूड़ा गुड़ का वितरण किया। इस मौके पर श्रवण बाजोरिया, अशोक जिबराजिका, प्रकाश चंद्र गुप्ता, डॉक्टर पंकज टंडन, रतन संथालिया, तकी अहमद जावेद मौजूद थे। कपड़े के शौकीन लोगों को अब शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आकर्षक रेंज के साथ भागलपुर के गुरुद्वारा रोड स्थित बजरंग टावर में गुरुवार को स्टाइलिश से लेकर फॉर्मल कपड़े के शोरूम का शुभारंभ हुआ। स्पाइकर शोरूम का उद्घाटन प्रोपराइटर लक्ष्य राकेश सर्राफ, सरिता सर्राफ, सीताराम जी सर्राफ, सुनीता सर्राफ और सृष्टि सर्राफ ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इसके बाद केक खिलाकर ग्राहकों का स्वागत किया गया। राकेश सर्राफ ने बताया कि शोरूम में 5,000 से लेकर 15,000 की खरीदारी पर निश्चित उपहार है, जबकि ब्रांडेड कपड़े पर कई प्रकार की छूट दी जा रही है। शोरूम में पेपे, लेवाइस, जॉकी समेत ब्रांडेड कपड़े हर रेंज में उपलब्ध है। वहीं प्रॉप राइटर रक्ष राकेश सर्राफ ने कहा कि दुर्गा पूजा को देखते हुए ग्राहकों की सुविधा और मांग का पूरा ख्याल रखा गया है, साथ ही ग्राहकों को आकर्षक उपहार भी दिया जाएगा। हमारे यहाँ जीन्स है, शर्ट है, टी शर्ट है। जीन्स आपका 2899 से स्टार्ट होगा, 5-6 हज़ार तक जाएगा। और ब्रांड आपका स्पाइकर, टेपे, लिवाइस है। जिसका कि स्पाइकर का अच्छा चलता है और शर्ट वगैरह काफ़ी फंकी लुक में आता है। टी शर्ट वगैरह ऑफर अभी हमारे यहाँ टेपे में चल रहा है आपका 5,000 के शॉपिंग पे। आपका स्पीकर है और बैग है आपका 7,000 के शॉपिंग पे। और लिवाइस में 5,000 के शॉपिंग पे आपका ब्लूटूथ हेडफोन है। स्पाइकर में आपका 6,000 के शॉपिंग पे स्पीकर है और 12,000 के शॉपिंग पे बड़ा बड़ा स्पीकर। इन दिनों बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भागलपुर में कई सामाजिक संगठन और समाज से भी काफ़ी सक्रिय है। वहीं बाढ़ से घिरे सबौर, इब्राहिमपुर और बाबूपुर इलाके का दौरा गुरुवार को जदयू खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नूर हसन फरीदी ने किया। इसके बाद जिला अध्यक्ष नूर हसन फरीदी ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरित की और बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आम लोगों से आगे आने की अपील की। जिला अध्यक्ष ने कहा कि असहाय लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। वहीं खेल प्रकोष्ठ के जदयू जिला प्रवक्ता डब्लू वहीदी ने कहा कि जिला स्तर पर बाढ़ पीड़ितों के लिए कई राहत शिविर लगाए गए हैं, जिसमें भोजन से लेकर रहने की व्यवस्था की गई है। मौके पर नदीम, खुर्रम, फयाज, तनवीर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। दुर्गा पूजा को लेकर बैंकों में ग्राहकों की काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान रुपए निकालने आए लोगों को घंटों लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया। पंजवारा स्थित कैनरा बैंक के शाखा प्रबंधक ने बताया कि रविवार से बैंकों में दुर्गा पूजा की छुट्टी रहेगी, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की काफी भीड़ है। वहीं बैंक में निकासी के लिए कम काउंटर रहने के कारण घंटों ग्राहकों को इंतजार करना पड़ा।
बांका के चानन थाना क्षेत्र के कोरिया पंचायत के लठाने गांव में खाना बनाने के दौरान दीवार गिरने से मलबे में दबकर महिला और मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। महिला की पहचान मुखन यादव की पत्नी रीता देवी के रूप में हुई है। मलबे में दबे दोनों को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण दीवार की जड़ कमजोर हो गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। बांका के चानन थाना क्षेत्र पटनिया गांव में अजगर निकलने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान अजगर ने ग्रामीण झालो यादव की बकरी को निगल लिया। अजगर के निकलने की खबर मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण जुट गए। वहीं ग्रामीणों ने घटना की सूचना वन विभाग को दी। ग्रामीणों के अनुसार घंटों इंतजार के बाद भी वन विभाग के कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे गाँव के लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद ग्रामीण भीमाधर यादव के सहयोग से अजगर को पकड़कर चानन के जंगल में छोड़ दिया गया। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में 14 प्रत्याशी को आवंटित हुआ चुनाव चिन्ह, डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव के संबंध में दी जानकारी। दुर्गा पूजा के दौरान जिले भर में सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम, एसएसपी आशीष भारती ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। लूटपाट के दौरान बेखौफ अपराधियों ने सीएसपी संचालक की गोली मारकर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। कहलगांव नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए अजय मंडल, नगर के विकास को बताया प्राथमिकता। और मतदाता सत्यापन कार्यक्रम को लेकर शाह मार्केट में हुई बैठक, 15 अक्टूबर तक होगा वोटर कार्ड वेरिफिकेशन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।